नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अंतरिक्ष का नाम जब भी जहन में आता है तो कुछ नाम ऐसे ही याद आ जाते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। इन सभी नामों में से केवल सुनीता विलियम्स ही अभी जीवित हैं और करोड़ों युवाओं के लिए जो अंतरिक्ष की दुनिया में अपना भविष्य देखते हैं उनके लिए प्रेरणा। सुनीता विलियम्स आजकल रिसर्च के लिए स्पेस में है, मगर इसी के साथ बुरी खबर यह है कि अब वो अंतरिक्ष में अपने एक और साथी के साथ फंस गई हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि नासा की एक गलती की वजह से उनकी जान को खतरा आगे चलकर हो सकता है। दरअसल स्पेस क्राफ्ट में हीलियम लीक के कारण ऐसा हो रहा है। इस बीच उनके मामले से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की दुनिया का वो नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। जून का पहला हफ्ता सुनीता अपने साथी एस्ट्रोनॉट के साथ केप कैनवर में नासा की लॉन्चिंग साइट पर मौजूद थी। सब कुछ रेडी था, नए मिशन की तैयारी थी, अंतरिक्ष को एक बार फिर मुट्ठी में करना था। शुरुआत में सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ। नासा का ये वीडियो इसकी तस्दीक भी करता है और सुनीता और बुच विलमोर तैयार हो रहे थे। एस्ट्रोनॉट वाला जी सूट पहन लिया था, पूरे चेकअप के साथ बोइंग के स्टार लाइनर रॉकेट में सवार हो गए और इस तरह रॉकेट उड़ चला। 24 घंटे की उड़ान के बाद सुनीता विलियम्स को ले जाने वाला स्टार लाइनर रॉकेट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। रॉकेट और स्पेस सेंटर वाले सिस्टम की डॉकिंग प्रोसेस हुई। डॉकिंग यानी यात्रा का वो हिस्सा जिसमें रॉकेट का एक सिरा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ता है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। खैर, इस बार भी डॉकिंग हुई और फिर 6 से 7 जून को सुनीता विलियम्स की ये तस्वीरें नासा की तरफ से शेयर की गई। लेकिन इसके बाद सुनीता जिस रॉकेट से पहुंची उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने से पहले दिक्कत शुरू हो गई थी। नासा के मुताबिक सुनीता को 6 जून की रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में गड़बड़ी आ गई और उनका अराइवल टाइम करीब 1.25 घंटे डिले हो गया। सरल भाषा में कहें तो इंजन में तकनीकी खामी। दरअसल स्पेस क्राफ्ट में हीलियम लीक के कारण ऐसा हुआ, जिसका अभी तक तोड़ नहीं निकल पाया है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हैरान कर देने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के समय नासा और बोइंग दोनों प्रबंधकों को इसकी रिसाव के बारे में जानकारी थी। हालांकि उन्होंने इस मिशन को खतरे में डालने के लिए बेहद छोटा माना था, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद 4 लीक देखे गए, जिस कारण अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी फंसी हुई है। इनकी वापसी 13 जून को होनी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। अब सुनीता विलियम्स के स्पेस में फंसने के बाद नासा को एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नासा के स्पेस सूट में दिक्कतें देखी जा रही हैं। फिलहाल नासा का कहना है कि स्टार लाइनर से हीलियम लीक होना बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। लेकिन बोइंग ने कहा कि वो पता कर रहे हैं कि ये लीक कैसे और क्यों हो रहा है या हुआ है। जब स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था तब इसके 5 थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था, इन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। नासा का दावा है कि इन दिक्कतों से परेशानी नहीं है। स्टार लाइनर किसी भी समय धरती पर वापस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को घर लाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम आराम से जांच पड़ताल कर रहे हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए तो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट की ये पहली मानव युक्त उड़ान है, यानी सुनीता और बेरी के साथ इसने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही खतरों से भरी रही है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष स्टेशन पर खतरे में हैं? तो बता दें कि अगर ये कहा जाए कि सुनीता और बेरी खतरे में हैं, तो ये गलत है। स्पेस स्टेशन एक बार में 8 स्पेस क्राफ्ट को डॉक कर सकता है। 365 फीट लंबे स्पेस स्टेशन में पर्याप्त जगह है, जहां पर सुनीता विलियम्स आराम से और सुरक्षित रह सकती हैं।
मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक नासा इनको वापस धरती पर सुरक्षित ला पाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।